और कलंदर। ओके जी, पाकिस्तान सुपर लीग के मुकाबले जारी, जिसमें इस वक्त नेशनल स्टेडियम के अंदर लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो मुकाबले है वो इस वक्त जारी है। इस्लामाबाद यूनाइटेड जो बैटिंग करते हैं काफ़ी लंबा स्कोर दिया है। इस वक्त राणा फवाद साहब जो लाहौर कलंदर के इस वक्त ऑनर सीईओ, इनसे पूछते हैं कि राणा साहब आपकी टीम के लिए बहुत बड़ा हार्ड टारगेट दिया जा रहा है, लेकिन शायकीन क्रिकेट बड़े उम्मीद हैं कि लाहौर कलंदर भी स्कोर चेस करेगी। इंशाल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है। डेलपोर्ट 3 साल हमारे साथ खेलता रहा है, तो आज उसने हमारे ख़िलाफ़ सबसे बड़ा उसने स्कोर किया है। मुझे बड़ी उम्मीद है कि हमारे पास बैटिंग डेप्थ है, हमारे पास लोग हैं, इंशाल्लाह ताला मुझे बड़ी उम्मीद है कि विकेट अच्छी है। मेरे लोगों में बड़ा जज्बा है, कराची के लोगों की बेइंतहा सपोर्ट है, पूरा कराची हमें सपोर्ट कर रहा है, तो आज मुझे लगता है कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह में कामयाबी देगा। राणा साहब, ये देखें कि लाहौर कलंदर जितने भी शायकीन हमसे पूछा, उन्होंने लाहौर कलंदर की सपोर्ट करें, क्या आपकी जो एडवर्टाइजिंग है वो ही आपकी शख्सियत और आपके अंदाज को भी बहुत पसंद किया जाता है? नहीं, इन लोगों की मोहब्बत है कि ये पूरा चूँकि साल पूरा साल हम काम करते रहते हैं, अभी तक हमने 5 लाख बच्चों का ट्रायल किया है, तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी हमारी रीच है कि वो लोग हमें प्यार कर रहे हैं, पसंद करते हैं। पाकिस्तान को नए लड़के जो हैं वो लाहौर कलंदर जो है वो दे रहा है, हीरोज़ दे रहा है, तो इसलिए शायद लोगों की मोहब्बत है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया कि जिंदा दिलाने लाहौर आज कराची में खेल रहे हैं। जी, राणा फवाद साहब के जस्ट कहने के जिंदा दिलाने लाहौर आज कराची में खेल रहे हैं और उनकी जो मुस्बत सोच है, उन्होंने देखा जाए तो क्रिकेट की बहाली के लिए, इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली के लिए पाकिस्तान का अहम किरदार अदा किया है। जी।